हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जो है CSIR नेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो कि हमारा जून 2016 के अंदर पूछा गया था। पार्ट बी का क्वेश्चन है। कहाँ से पूछा गया है? लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया है। और ये किस टाइप का क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम अब करते हैं। तो चलिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कहता है स्टेटमेंट? लेट कहता है, लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स गिवन है। और हमें मैपिंग कहाँ से कहाँ तक गिवन है? आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर तक है। डिफाइंड किस तरीके से की गई है? एफ वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ट्रांसपोज ए वी। कहता है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो, मीन्स इन जो चारों ऑप्शन गिवन है इनमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, मीन्स एक ही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब यहाँ पे कहता है फर्स्ट में दियर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर वी ऑफ ए सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी। इस टाइप के क्वेश्चनों को जितना टाइम आपको सॉल्व करने में नहीं लगता है उससे ज़्यादा टाइम आपको क्या लगता है क्वेश्चन को समझने में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इसका सलूशन वेरी इजी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, लेट एफ सच दैट आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर, कोई मैपिंग है और वो डिफाइंड है डब्ल्यू ट्रांसपोज ए बी से। कहता है कि चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बताइए। पहला कहता है कि दियर एग्जिस्ट, क्या ऐसा एग्जिस्ट होगा? आइगन वेक्टर वी, आइगन वेक्टर बी है और किसका आइगन वेक्टर है? मैट्रिक्स ए का आइगन वेक्टर है। कहता है कि क्या ऐसा आइगन वेक्टर ए का एग्जिस्ट होगा जिसके लिए जो हमारा ए बी है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा बी के साथ। मीन्स जो ए बी की प्रोडक्ट होगी वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा। अब फिर से नेक्स्ट पे देखिए क्या कहता है, द सेट ऑफ, इसके अंदर किस टाइप के सेटों के अंदर किस टाइप के वेक्टरों की कलेक्शन है? कहता है बी, ऐसा जो है वी होना चाहिए, आर स्क्वायर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब वहाँ पे जो उसका फंक्शन के साथ वी करोगे तो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ये कहता है कि ये हमारा नॉन जीरो सब स्पेस की फॉर्मेशन करता है, कहाँ पे? ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड में कहता है जो हमारा वी और डब्ल्यू है आर स्क्वायर से बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों क्या है? नॉन जीरो वेक्टर हैं और वो इस प्रकार से हैं कि एफ वी वी इक्वल्स टू जीरो है, एफ डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो है। अगर जीरो है तो कहता है कि क्या एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, मीन्स वी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ डब्ल्यू। अब फोर्थ ऑप्शन कहता है कि फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, मीन्स प्रत्येक जो वेक्टर होगा वी को हम कुछ भी ले लें जो कि कहाँ से बिलोंग करता हो, आर स्क्वायर से बिलोंग करता हो, तो क्या ऐसा एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर होगा डब्ल्यू जो कि आर स्क्वायर से बिलोंग करेगा और वो जो है इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा। तो चलिए फर्स्ट को हम करते हैं। कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर बी ऑफ ए सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी, मीन्स किसी भी वेक्टर, मान लीजिए यू वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, जो वेक्टर यू और बी क्या है? दो वेक्टर है मान लीजिए। ठीक है, यू बी दो क्या है? वेक्टर है और मान लीजिए क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब यू परपेंडिकुलर टू वी है। ठीक है, दैट इज इसका मतलब यही है। यू अगर वी के परपेंडिकुलर है इसका मतलब जो यू और वी का इनर प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इनर प्रोडक्ट जो यू और वी का है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब पहले क्या करते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसके आइगन वेक्टर कर निकाल लेते हैं। प्रत्येक जो आइगन वैल्यू होगी उसके करिस्पॉन्डिंग हम इनफाइनाइट आइगन वेक्टर बना सकते हैं, बट जो आइगन वेक्टर होगा उसके करिस्पॉन्डिंग हमारी यूनिक आइगन वैल्यू ही होगी। तो चलिए अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं, इसके आइगन वेक्टर निकालते हैं। जो हमारी मैट्रिक्स ए है देखिए क्या है, वन है, जीरो है, जीरो है, माइनस वन है। इसकी जो आइगन वैल्यू लेमडा है कितनी है? वन है और माइनस वन है, वन है और माइनस वन है। ठीक है, अब यहाँ पे वन और माइनस वन है, अब इसके करिस्पॉन्डिंग बी इज इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या कर देते हैं, ए माइनस लेमडा आई इंटू वी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे एक बार लैम्डा इज इक्वल्स टू वन पुट करेंगे और लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस वन पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, ए प्लस आइडेंटिटी जब लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस वन है। ठीक है,
ए प्लस आइडेंटिटी, बी जो है एक्स वाई है, इजिक्वल्स टू 0 0 मान लीजिए। ए क्या है, इसमें आइडेंटिटी ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 0 0, और आइडेंटिटी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे एक्स और वाई इजिक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कीजिए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 2x इजिक्वल्स टू 0, और यहाँ पे y जो है क्या है, आपकी मर्जी से आर्बिट्रेरी है, यहाँ पे x इजिक्वल्स टू 0 है, y जो है आर्बिट्रेरी है, y को हमने क्या ले लिया है, y इजिक्वल्स टू 1। सिमिलरली जब आप a प्लस लेमडा आई करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस आइडेंटिटी इंटू एक्स वाई, मीन्स ये 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, माइनस का 2, यहाँ पे जो है y इजिक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी। ठीक है, जब x इजिक्वल्स टू मीन्स लेमडा इजिक्वल्स टू 1 है, उस केस में x आर्बिट्रेरी है, जब लेमडा इजिक्वल्स टू माइनस 1 है, उस केस में y आर्बिट्रेरी है। ठीक है, यहाँ से आपको वेक्टर किस टाइप का मिलेगा, जो है देखिए आर्बिट्रेरी है, y आर्बिट्रेरी है, मीन्स एक बार ये हो जाएगा 0 a। ठीक है, अब एक बार क्या हो जाएगा आपको इस टाइप का मिलेगा, एक वेक्टर आपका इस टाइप का, एक वेक्टर इस टाइप का, ए और बी की वैल्यू को आप अलग अलग पुट करते हुए आप इनफाइनाइट वेक्टर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आ रही होगी बात समझ में। अब हमें क्या करना है, जो ए वी है, कोई भी क्या ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट हो सकता है, वी ऑफ ए मीन्स ए का कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट क्या हो सकता है जिसका प्रोडक्ट ए वी और ए बी हो, और जो हमारा ए वी और वी है वो एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, मीन्स जो इनर प्रोडक्ट है ए वी का वी के साथ हो, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से इस टाइप के हमें वेक्टर मिल गए, अब हमें वेक्टर मिल गए तो अब हम क्या कर देते हैं, वेक्टर मिल गए तो चलिए इसका हम करते हैं क्या, इसका जो है इस टाइप का बनेगा इनर प्रोडक्ट 0, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे v हमारा इस टाइप के है, मान लीजिए हमने v को ले लिया इस टाइप का, ठीक है, ये वाला ले लिया, a के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, a क्या है 1 0 0 माइनस 1, v से मल्टीप्लाई 0 a। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस ए। ठीक है, और इसका जो है इनर प्रोडक्ट मीन्स इसको आप कैसे लिख लो, 0 माइनस ए, और वी हमारा क्या है, वी जो है उसको आप ऐसे लिख लीजिए 0 a, कॉलम में दोनों है तो आपने इस तरीके से लिख लिया, मीन्स अब आपके दो टपल हो गए, दो टपल को आप क्या कीजिए, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को मल्टीप्लाई कर सकते हो सिंपली, जैसे करते हो मीन्स इनर प्रोडक्ट ए वी और वी का करते हैं, क्या हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ए वी, ए बी, ए बी का मल्टीप्लाई हमने किया क्या है 0 और माइनस a है, और यहाँ पे क्या है 0 और a है। चलिए अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस का साइन हो जाएगा बीच में, 0 इंटू 0 प्लस -a इंटू a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -a स्क्वायर, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई हुई है कितना है, a का स्क्वायर है, मीन्स आर्बिट्रेरी है तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जहाँ पे जो ए हमारा क्या है नॉन जीरो है, जब ये हमारा 0 नहीं है मीन्स, सिमिलरली जब आप ए वी मीन्स इस टाइप के वेक्टरों से कैलकुलेट करोगे इनर प्रोडक्ट ए वी का वी के साथ, तब भी क्या हो जाएगा, माइन हमको लगता है बी का स्क्वायर आ जाएगा, उस केस में जब बी का स्क्वायर आ जाएगा मीन्स ए और बी दो नॉन जीरो हैं, यहाँ पे भी बी नॉन जीरो होगा, मीन्स ऐसा वेक्टर आप एग्जिस्ट नहीं करवा पाओगे जिसका प्रोडक्ट ए वी और वी दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं ए वी और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। जब जो है सेकंड देखिए, कहता है द सेट वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, और उसके अंदर किस टाइप के वेक्टर हैं, वी वी फंक्शन पे अप्लाई हुआ है इजिक्वल्स टू 0, मीन्स इस टाइप का ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए अब करते हैं इसको, सेकेंड ऑप्शन को देख लीजिए एक बार, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया बाई दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोल दीजिए या फिर इस मेथड से, तो हमारा रॉन्ग हो गया, ऐसा हम वेक्टर सर्च नहीं कर पाएंगे वी जहाँ पे ए वी और वी का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, मीन्स ए वी और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो पाएंगे। अब चलिए सेकेंड करते हैं,
सेकंड करने के लिए मान लीजिए बी हमें सपोज किया ए और बी इस टाइप का हो जाए। अब यहाँ पे कुछ कहा नहीं है बट कहा है क्या आर स्क्वायर से बिलोंग करते हैं, तो हमने जनरल ले लिया। ठीक है जनरल ले लिया ठीक है। अब यहाँ पे एफ बी बी इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए बी, ये बात आ रही होगी समझ में। बी जो है बी का ट्रांसपोज आप कीजिए, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए बी, ए क्या है आपका 100-1 और बी आपका क्या है बी, वी जो है हमारा ए और बी है। ठीक है यहाँ पे लिख दीजिए ए और बी, ये हम जनरल लेकर कर रहे हैं, बाकी ऐसे हम एग्जांपल भी उठा सकते हैं ए की कुछ वैल्यू बी की कुछ वैल्यू। अब यहाँ पे बार बार एग्जांपल लेके सर्च करना इजी तो है नहीं, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट जनरल टर्म ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो क्या हो जाएगा ए, इसका प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का बी, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका प्रोडक्ट इसके साथ इस टाइप का थोड़ी ना होगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो क्या आएगा ए, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे क्या आएगा माइनस का बी। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट इसके साथ ए इंटू ए प्लस बी इंटू माइनस बी इजिक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टाइप का आ गया। अब यहाँ पे हमें ए इजिक्वल्स टू क्या लेना होगा, ए इजिक्वल्स टू 1 और बी इजिक्वल्स टू 1, मीन्स जब हम ए इजिक्वल्स टू 1 बी इजिक्वल्स टू 1 टाइप के वेक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 आएगा, मीन्स हमारा जो वेक्टर यहाँ पे क्या बन के तैयार हो जाएगा 1 और 1। आप मल्टीप्लाई ऐसा ही करके देखोगे 1 1 यहाँ पे कर दीजिए, चलिए यहाँ पे 1 1 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1 और -1। ठीक है 1 होगा यहाँ पे माइनस 1 होगा यहाँ पे 1 1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो क्या हो जाएगा देखिए 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 -1 इज इक्वल टू 0, मीन्स जो हमने वेक्टर वी सपोज किया है 1 1 ये क्या है सही है। अब यहाँ पे कहता है कि ये जो है सब स्पेस नॉन जीरो है, हाँ नॉन जीरो है ठीक है, ये नॉन जीरो है और कहाँ से बिलोंग करता है आर स्क्वायर से बिलोंग करता है, जो हमने भी सर्च किया हुआ है ये नॉन जीरो है और कहाँ से बिलोंग करता है आर स्क्वायर से बिलोंग करता है। ठीक है अब क्या कहता है कि जो इस टाइप के वेक्टर होंगे इस सेट के अंदर ना वो वेक्टर सब स्पेस मीन्स वेक्टर सब स्पेस बोल दीजिए या फिर डायरेक्ट नॉन जीरो सब स्पेस या फिर सब स्पेस बोल दीजिए, कहता है कि जो है ये सब स्पेस की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए सब स्पेस मान लीजिए वी आपका क्या है हमने बताया हुआ है, बी आपका क्या है वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू जो है क्या है सबसेट है वी का, डब्ल्यू को हम क्या बोलना चाहते हैं सब स्पेस कहना चाहते हैं, किसका सब स्पेस ऑफ बी का कहना चाहते हैं। कब कह पाएंगे जब हमें डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू दो एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करते हो डब्ल्यू से, और यहाँ से इसका जो सम है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ पे डब्ल्यू, और स्केलर जो आपका फील्ड से बिलोंग करता है वी ओवर एफ क्या है वेक्टर स्पेस है, बी आपका फील्ड अल्फा जो है आपका स्केलर है कहाँ से बिलोंग करेगा फील्ड से बिलोंग करेगा, अल्फा को आप एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और वो भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करना चाहिए, या फिर इन दोनों कंडीशन को ऐसा लिख दीजिए अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू टू आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, वेयर जहाँ पे जो डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू है कहाँ का एलिमेंट है डब्ल्यू का एलिमेंट है, और जो अल्फा और बीटा है कहाँ से बिलोंग करते हैं फील्ड से बिलोंग करते हैं। ये तो हमारी रही किसकी डेफिनेशन वेक्टर स्पेस या फिर वेक्टर सब स्पेस, ये हमारी क्या है वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन है, वेक्टर सब स्पेस ही हमको यहाँ पे क्या करना है दिखाना है। अब यहाँ पे वी आपने क्या ले लिया 1 1 ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसी टाइप का एलिमेंट चाहिए, इसी टाइप का एलिमेंट लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा देखिए, हमें क्या लास्ट में आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इक्वल्स टू 2 ले लीजिए बी इक्वल्स टू 2 ले लीजिए, अब जमा लीजिए 2 2 है ठीक है, इसको हमने मान लिया W, या फिर इसको V1 ले लेते हैं इसको V2 ले लेते हैं, सम कीजिए V1 प्लस V2 क्या जो है V1 प्लस V2 इजिक्वल्स टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, और इसके अंदर कौन से वेक्टर जाने वाले हैं 0, V1 प्लस V2 कीजिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3, यहाँ पे क्या मिलेगा 3। अब आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है,
स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? एक मिनट, यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेके आना है, मीन्स जीरो। ये ए की वैल्यू आपने एक बार वन ले लीजिए और बी की वैल्यू माइनस वन ले लीजिए, ठीक है, तब भी तो क्या है, जीरो है। सेकंड में जो है आप एक वन ले लीजिए, एक माइनस वन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बी वन ये है, बी टू ये है, इसका सम कीजिए, सम कीजिए, देखिए क्या मिलेगा, वन वन टू, इसका सम करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे ये मिला, अब ये चेक करना है क्या ये जो है हमारा इस सेट के, मान लीजिए इस सेट को हमने नाम ले दे दिया एम, ये हम कहीं नजर नहीं आ रहा तो इस सेट को नाम दे दिया एम, क्या इसके अंदर बिलोंग करता है। इसके अंदर बिलोंग करने के लिए हमें ये कंडीशन होल्ड करवानी होगी। चलिए अब करते हैं, क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू मान लीजिए ये है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो चलिए कर दीजिए, टू जीरो, ए की वैल्यू वन जीरो जीरो माइनस वन, और जो हमें इसका फिर से क्या करना है वही लिखना है, तो क्या हो जाएगा, टू जीरो। चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई, इसका प्रोडक्ट इसके साथ टू, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ मैंने किया तो क्या आएगा, टू, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू टू प्लस जीरो इंटू जीरो, डायरेक्ट क्या मिलेगा, फोर। ये तो हमारा जीरो नहीं आया, ये क्या है, फोर नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स जो हमारा एफ वी वी है, वी बी का मतलब क्या है हमारा, वी वन प्लस बी टू और वी वन प्लस बी टू, ये क्या है, नॉन जीरो है, मीन्स इसका सम जो है इस टाइप का नहीं आया है। वेक्टर तो इस टाइप का है कि इक्वल टू जीरो है, बट इसका जो सम करके हमने वेक्टर बनाया है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, सब स्पेस दिखाना है, सब स्पेस दिखाने के लिए हमें सम भी उसके अंदर ही बिलोंग करवाना होगा, उसके अंदर बिलोंग करवाना होगा, मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे वी वन प्लस बी टू हमने क्या लिया, ये लिया, इस एग्जाम्पल से हमारा क्या गया, कर गया, इसके अंदर बिलोंग नहीं किया, मीन्स एक एग्जाम्पल हमारे पास है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिसकी सहायता से हम जो सेकंड ऑप्शन है इसको रंग दिखा देंगे, मींस जो यहाँ पे सम है वो डज नॉट बिलोंग्स टू यम, यम के अंदर बिलोंग नहीं करता है, मींस जब उसका सम ही उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है तो उसका स्केलर मल्टीपल करवाने से कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मीन्स जो सेकेंड ऑप्शन है ये हमारा रंग ऑप्शन है। अब चलिए जो है हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, थर्ड हमारा ऑप्शन क्या कहता है, देखिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये क्या कहता है। इसी एग्जाम्पल से ये भी सॉल्व हो जाएगा, देखिए क्या है, मान लीजिए हमने वी को ले लिया क्या, थर्ड एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने वी को ले लिया क्या, वी को हम ले लें वन और वन, और जो हमारा डब्ल्यू है इसको ले लेते हैं वन और माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि वी और डब्ल्यू क्या है, आर स्क्वायर से बिलोंग करने चाहिए और नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए, ये क्या है, बिलोंग करता है कहाँ से, आर स्क्वायर से। ये क्या कहता है, जो हमारा वी और डब्ल्यू है, ठीक है, वी और डब्ल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए और आर स्क्वायर से भी बिलोंग करना चाहिए, तो हमने वी को क्या ले लिया, वन वन, और डब्ल्यू को हमने क्या ले लिया, वन और माइनस वन, ठीक है, ये नॉन जीरो है और कहाँ से बिलोंग करता है, आर स्क्वायर से बिलोंग करता है, ठीक है। यहां तक तो हो गई बात, हमने इसको सेटिस्फाई करवा लिया इस एग्जांपल से। अब कहता हुआ इस तरीके से है ना कि एफ बी बी इज टू जीरो है और एफ डब्ल्यू डब्ल्यू इज टू जीरो है। अब यहाँ पे देखिए एफ बी बी इज टू जीरो मीन्स जो हमारा एफ बी बी, चलिए करते हैं वी का ट्रांसपोज, ए वी, वी का ट्रांसपोज मीन्स वन वन, और ए की वैल्यू वन जीरो जीरो माइनस वन, और वी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वन वन। फाइनली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वन, इसको करोगे तो माइनस वन, इसका प्रोडक्ट वन वन, डायरेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। हमने इसके फर्स्ट वाले में बताया हुआ है इसका प्रोडक्ट, देखिए क्या हो जाएगा, वन इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस वन फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एफ बी बी इज टू जीरो। अब डब्ल्यू की भी बात चेक कर लेते हैं, एफ डब्ल्यू डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू का ट्रांसपोज ए इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू का ट्रांसपोज मीन्स वन माइनस वन,
ए की वैल्यू 1 0 0 -1 और डब्ल्यू की जो वैल्यू है 1 है -1 है। चलिए यहाँ पे करते हैं, इसका प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा, 1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ -1 और यहाँ पे जो है 1 -1, देखिए क्या हो जाएगा, 1 × 1 + 1 × -1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 0। मीन्स यहाँ पे जो W हमने लिया है ये भी सही लिया हुआ है,